गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माय सेल्फ जनसार किशोर। टुडे आई विल टीच यू नोटिस राइटिंग। इन लास्ट वीडियो आई एक्सप्लेन द नोटिस रिगार्डिंग सेलिब्रेशन कल्चरल इवेंट्स। देन सेकंड टॉपिक पिकनिक। नाउ इन द दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू स्पोर्ट्स, NSS, रेड क्रॉस एंड कैंप्स के बारे में। तो फर्स्ट है, यू आर द विक्रम और विनीता, द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ जवाहर नगर पब्लिक स्कूल वाराणसी। ड्राफ्ट अ नोटिस इनवाइटिंग स्टूडेंट टू गिव देयर नेम फॉर द वेरियस इवेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द एनुअल स्पोर्ट्स डे ऑफ योर स्कूल। तो आपको स्पोर्ट्स डे के बारे में बताना है, तो पहले स्कूल का नाम आएगा, एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स में सबसे पहले क्या आएगा, जवाहर नगर पब्लिक स्कूल वाराणसी। उसके बाद डेट दी है 20 नवंबर 2020। नोटिस एनुअल स्पोर्ट्स डे, ये जो नोटिस है वो एनुअल स्पोर्ट्स डे के बारे में, ये मेन टॉपिक है आपका। स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड टू सबमिट देयर नेम फॉर पार्टिसिपेटिंग इन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स एक्टिविटी। तो यहाँ पर स्टूडेंट को इनवाइट किया गया है कि आप कोई भी 5 एक्टिविटीज़ में, क्या बोला है, एनी 5 एक्टिविटीज ऑफ फॉलोइंग स्पोर्ट्स फॉर द एनुअल स्पोर्ट्स डे टू बी हेल्ड ऑन 15th December। वो कब हेल्ड हो रहा है, 15th December को हेल्ड हो रहा है। रेसेस, ओके, अभी कौन कौन सी चीज़ है, तो रेस में कौन सी है, तो 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, 400 मीटर रेस, 800 मीटर रेस, 1600 मीटर रेस और 10,000 मीटर रेस। ओके, जंप्स, जंप्स में कौन सा है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, होप, स्लैप एंड जंप, पोल, वैल्यू। ओके, उसके बाद थ्रो में क्या है, तो शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रोन, जेविलियन एंड हैमर थ्रोन। नेम शुड बी रीच द अंडर साइन लेटेस्ट बाय 1st December। जिसको भी नाम सबमिट कराना है वो आपको 1st December से पहले आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। ये जो इवेंट्स होने वाली है वो कब होने वाली है, बता दिया कि 15th December को होने वाली है। आपको जो नोटिस दी है वो कौन सी डेट को दी है, 20 नवंबर को दी है, और आपको अपना नाम, 20 नवंबर है, 1st December, ओके, यानी 10 डे में आपको 10 डेज मिलते हैं कि आपको डिसाइड करना है, और 10 डेज में आपको अपना नाम क्या करना है, सबमिट कर देना है। इवेंट्स होने वाली है 15 December को, क्या क्या होने वाला है, तो रेस होने वाली है, जंप्स होने वाला है और थ्रोस। आप एनी 5, जैसे कि 100 मीटर की रेस, 200 मीटर रेस, हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, इन शॉर्ट आप कोई भी 5 इवेंट्स में क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट हो सकते हो, उससे ज़्यादा इवेंट्स में पार्टिसिपेट हो सकते नहीं हो। ओके फ्रेंड्स, नाउ सी द सेकंड वन, क्वेश्चन 2। यू आर द स्पोर्ट्स कैप्टन ऑफ किंग्स पब्लिक स्कूल कलिमपोंग। तो आप जो किंग्स पब्लिक स्कूल है वहाँ पर स्पोर्ट्स कैप्टन हो। स्कूल कहाँ पर आइए, तो कलिमपोंग में आइए। राइट्स अ नोटिस टू बी पुट अप ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड। ये आपको नोटिस अपने स्कूल नोटिस बोर्ड में लिखनी है। इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट, आपको स्टूडेंट को बताना है, द इंटर स्कूल बास्केटबॉल मैच, बास्केटबॉल की मैच है। गिव ऑल नेसेसरी डिटेल्स ऑफ द मैच टू बी प्लेड। तो जितनी भी नेसेसरी है वो सब चीज़ आपको उसमें क्या करनी है, मेंशन करनी है। आंसर है किंग्स पब्लिक स्कूल कलिमपोंग। ये किंग पब्लिक स्कूल कहाँ पर है, कलिमपोंग में आइए। यहाँ डेट लिखिए 10th August 2020। स्पोर्ट्स नोटिस, कौन सी नोटिस है, स्पोर्ट्स नोटिस है। द स्टूडेंट्स विल फील ग्लेड टू लर्न दैट आवर बास्केटबॉल टीम हैज़ रीच्ड द फाइनल ऑफ इंटर स्कूल बास्केट चैम्पियनशिप। तो जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी है, जो स्टूडेंट है, तो उसके लिए एक अच्छा न्यूज़ है कि हमारे स्कूल की जो बास्केटबॉल टीम है वो इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप बनी है। द फाइनल मैच अगेंस्ट सेंट जॉन स्कूल दार्जिलिंग, जो फाइनल मैच है वो सेंट जॉन स्कूल के साथ है, और कहाँ पर है, दार्जिलिंग, विल बी प्लेड टूमोरो। कब खेली जाएगी, टूमोरो। ओके, एग्जाम्पल 11th August 2020, यानी आज 10 है तो टूमोरो यानी 11th August 8:03 PM, कितने बजे, 3 बजे।
एट अवर स्कूल ग्राउंड, कहाँ पर? अपने स्कूल के ग्राउंड पर। प्लीज़ डू कम, आप आना। चीयर अप द टीम, आप अपनी टीम को क्या करना है? चीयर अप करना है एंड बूस्ट देयर मॉरल, और उनके मॉरल को आगे बढ़ाना। जे कैम्यू, ओके, ये नाम है जो स्पोर्ट्स कैप्टन है, वो स्पोर्ट्स कैप्टन। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन। राइट्स नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड, आपको एक नोटिस लिखना है स्कूल नोटिस बोर्ड पर। इनवाइटिंग वॉलंटियर्स फॉर NSS कैंप, यू आर गौरी और गौतम द ग्रुप लीडर ऑफ SD सीनियर सेक्रेटरी स्कूल अंबाला कांट। ओके, तो यहाँ पर आपको नोटिस लिखनी है, नोटिस बोर्ड पर आपको वॉलंटियर्स जो NSS कैंप के लिए, ओके, तो उसको इनवाइट करना है। तो SR सेकेंडरी हाई स्कूल अंबाला कैंट, 2 सितंबर 2020 नोटिस है। NSS कैंप एंड NSS कैंप ऑफ आवर यूनिट विल बी हेल्ड फ्रॉम 15 सितंबर to 30 सितंबर एट विलेज दीनापुर। तो NSS कैंप जो यूनिट है वो हमारे स्कूल में कब है? 15 सितंबर, ये 2 सितंबर को, हम 15 सितंबर को बोल रहे हैं कि 15 सितंबर to 30 सितंबर, यानी 15 से लेकर 30 तक, ओके, ये कैंप है एट विलेज दीनापुर। कौन से विलेज में? दीनापुर विलेज में। प्रोजेक्ट इंक्लूड एडल्ट लिटरेसी, उसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट है? तो ये तो एडल्ट लिटरेसी, यानी जो बहुत ही एजेड है उनको पढ़ाया जाएगा। ट्री प्लांटेशन, वहाँ पर ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम होगा। क्लीनलीनेस, वहाँ पर सफाई का भी प्रोग्राम होगा, तो क्लीनलीनेस कैंपन होगा। एंड हेल्थ अवेयरनेस, और सबकी हेल्थ अच्छी करने के लिए कौन कौन से जो सुझाव है, तो हेल्थ अवेयरनेस के भी प्रोग्राम होंगे। वॉलंटियर्स शुड गिव देयर नेम्स टू द अंडर साइन बाय 7 सितंबर 2020। जो वॉलंटियर्स जिसको ये कैंप में आना है, ओके, तो उसको अपना नाम 7 सितंबर 2020 से पहले लिखवा देना है। किसको लिखवाना है? तो गौरी और गौतम, ग्रुप लीडर NSS, तो उनको अपना नाम 7 दिसंबर से पहले बता देना है। जो आज प्रोग्राम दिया है, जो नोटिस दिए, वो 2 सितंबर को दिए। प्रोग्राम होने वाला है 15 से लेकर 13 सितंबर तक, और लास्ट 7 सितंबर से पहले आपको अपना नाम क्या करना है? लिखवा देना है। ओके फ्रेंड्स, नाउ सी द नेक्स्ट, कि यू आर रमा राव सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट्स काउंसिल ऑफ योर स्कूल। स्कूल का नाम क्या है? सेंट थॉमस स्कूल कोचिन। तो आप अपने स्कूल जो सेंट थॉमस स्कूल है उसमें आप क्या करो? स्टूडेंट ऑफ काउंसिल, ओके, तो जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल के सेक्रेटरी हो, तो आपको राइट्स अ नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग वॉलंटियर्स फॉर 1 डे ब्लड डोनेशन कैंप। तो आप स्कूल में कोई ब्लड डोनेशन कैंप का अरेंज करना चाहते हो, तो आपको वॉलंटियर्स को इनवाइट करना है, ओके, मैक्सिमम वॉलंटियर्स यहाँ पर आए और ब्लड क्या करें? डोनेट करें। तो ये स्टूडेंट को ब्लड नहीं देना है, लेकिन आपको ऐसे वॉलंटियर्स इसलिए मंगवाए कि वो आसपास की सोसाइटी में जाकर वहाँ सबको इन्फॉर्म करें ब्लड का क्या इम्पोर्टेंट है, ब्लड डोनेट करना चाहिए, वो सब समझाएंगे। और जिस दिन ये प्रोग्राम होगा तो मैक्सिमम लोग वहाँ पर आए और अपना ब्लड देवे, ये उनका मेन क्या होता है? टारगेट होता है। ऑर्गेनाइज बाय द रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया एट योर स्कूल। तो ये जो प्रोग्राम है वो इसमें कौन आने वाले हैं? रेड क्रॉस सोसाइटी वाले, ओके, तो डेट लिखिए 10 अगस्त 2020। सेंट थॉमस स्कूल कोचिन नोटिस ब्लड डोनेशन कैंप, ये ब्लड डोनेशन का कैंप है। द रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया इज ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप एट आवर स्कूल। तो जो रेड क्रॉस सोसाइटी है जो इंडिया की, वो हमारे स्कूल में ब्लड डोनेशन का कैंप अरेंज करने वाली है। डेट कौन सी है? तो 17 अगस्त 2020 को। आज जो नोटिस दे रहे हैं वो 10 अगस्त है। अरेंज क्या होगा? आफ्टर 1 वीक, यानी 7 दिन के बाद होने वाला है। टाइम कौन सा दिया है? तो 10 AM to 3 PM, 10 AM to 3 PM, ओके, तो मॉर्निंग में 10 बजे से शाम के 3 बजे तक। वेन्यू स्कूल ऑडिटोरियम, स्टूडेंट्स आर अर्ज्ड टू पार्टिसिपेट इन लार्ज नंबर। ये जो प्रोग्राम होने वाला है स्कूल ऑडिटोरियम में होने वाला है, और स्टूडेंट को अर्ज, यानी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि
आप पार्टिसिपेंट हो मैक्सिमम नंबर में। रिमेंबर योर ब्लड कैन सेव अ ह्यूमन लाइफ, आपको याद रखना है कि आपका जो ब्लड है वो किसी इंसान की लाइफ को बचा सकता है। रामा राव सेक्रेटरी स्टूडेंट्स काउंसिल, रामा राव कौन है, ये स्टूडेंट काउंसिल का सेक्रेटरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो थी हमने इसके बारे में नोटिस पढ़ी, ये जो नोटिस थी आपको ब्लड डोनेट के बारे में पढ़ी। अभी जो नेक्स्ट है हम जो नोटिस पढ़ेंगे अबाउट लॉस्ट एंड फाउंड, अगर कोई चीज़ आपसे खो गई या कोई चीज़ आपको मिली है तो उसमें किस तरह से नोटिस लिखते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो लिखे है कि सौरभ शुक्ला अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 हैज लॉस्ट हिज कैलकुलेटर समवेयर इन द स्कूल प्रीमाइसिस। तो सौरभ शुक्ला है जो 12th में पढ़ता है, उसकी जो कैलसी यानी कैलकुलेटर वो स्कूल प्रीमाइस में कहीं वो खो गई है। राइट अ शॉर्ट नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड रिक्वेस्टिंग द फाइंडर टू रिटर्न इट टू हिम। तो हमें जो फाइंडर है जिसको मिली हो तो उसको रिक्वेस्ट करनी है कि वो क्या करे, उसको रिटर्न कर देवे। सौरभ इज़ अ स्टूडेंट ऑफ जेम मॉडल स्कूल सूरत, तो कौन से स्कूल से है, तो जेम मॉडल स्कूल जो सूरत में, तो सौरभ वहाँ पर एज अ स्टूडेंट पढ़ रहा है। तो हमारा आंसर है, तो पहले बॉक्स बनाना पड़ेगा, स्कूल का नाम होगा जैन मॉडल स्कूल, यहाँ पर जैम लिखा है, यहाँ पर जैन लिखा है, तो दोनों सेम कर देना, जैन लिखो तो यहाँ भी जैम कर दो या फिर यहाँ पर भी जैन कर दो। ओके, तो जैन मॉडल स्कूल सूरत 15th October 2020 नोटिस लॉस्ट चीज़ क्या गई, खो गई, क्या खो गया है आपका कैलकुलेटर, कौन से स्टूडेंट का, तो सौरभ शुक्ला का। ओके, तो लॉस्ट अ शार्प VM कैलकुलेटर इन द स्कूल प्रीमाइसिस ड्यूरिंग रिसेस टुडे। तो एक VM कैलकुलेटर के, और यहाँ पर लिखा है लॉस्ट शार्प VM कैलकुलेटर इन द स्कूल प्रीमाइस, स्कूल प्रीमाइस में ड्यूरिंग द रिसेस टाइम उसका कैलकुलेटर क्या हो गया है, खो गया है। माय इनिशियल्स SSR इंग्रेव्ड ऑन इज ब्लैक बैक। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप वो चीज़ क्या करो, बैक यानी वापिस दे दो, यानी जिसको भी मिली है, अगर किसी को मिली है या इंसोर बोले कि किसी ने अगर चुराई है तो वो भी क्या करे, वापस दे देंगे। द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू रिटर्न द सेम टू द अंडर साइन। जो फाइंडर है यानी जिसको वो चीज़ मिली है उसको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो क्या कर दे, उसको वापस कर दे। अ ट्रीट इज प्रॉमिस्ड, उसको एक ट्रीट दी जाएगी। ट्रीट का मीनिंग होता है कुछ भी, नाश्ता ब्रेकफास्ट उसको खाना खिलाया जाएगा। ओके, अ ट्रीट इज प्रॉमिस, को एक ट्रीट दी जाएगी। सौरभ शुक्ला 10th B रोल नंबर 67। तो ये सौरभ शुक्ला खुद लिख रहा है, वो 12th B में उसका रोल नंबर है 67। ओके, तो उसका कैलकुलेटर हो गया है, तो वो क्या बन रहा है, नोटिस बन रहा है। अभी नेक्स्ट जो है वो है UR आशीष खन्ना ऑफ क्लास 12। आप आशीष खन्ना हो, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, 12 में। यू हैव फाउंड अ वॉच इन योर स्कूल प्लेग्राउंड, आपको अपने स्कूल प्लेग्राउंड में से एक वॉच मिली है, एक घड़ी मिली है। राइट अ नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड, आपको स्कूल नोटिस बोर्ड में क्या करना है, एक नोटिस लिखनी है यूनिटिंग इट्स अ राइटफुल ऑनर। ओके, यहाँ पर आगे का जो नोटिस था उसमें आपकी चीज़ लॉस्ट हो गई थी, यहाँ पर आपको एक वॉच मिली है, तो वो जो फाउंड हुई है वॉच उसके बारे में आपको क्या करना है, नोटिस लिखनी है फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड यूनिटिंग इट्स राइटफुल ओनर। उसका मेन टारगेट क्या थे, तो भाई ये जो चीज़ है वो उसके राइट ओनर के पास जाए। टू क्लेम द वॉच आफ्टर फर्निशिंग नेसेसरी डिटेल्स अबाउट इट, तो जो भी उसका ओनर है उसको उसके बारे में डिटेल में पूछेंगे, यानी वो अपनी घड़ी के बारे में डिटेल में बताएगा
तभी उसको वो घड़ी वापस दी जाएगी। ओके, तो देखिए ये एक बॉक्स है जिसमें सबसे पहले स्कूल का नाम है ABC स्कूल। यहाँ पर स्कूल का नाम नहीं दिया है, तो जहाँ पर स्कूल का नाम नहीं दिया है तो वहाँ पर आप अपनी तरह से कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हो। तो यहाँ पर लिखा है कि ABC स्कूल कहाँ पर है, मैसूर, मैसूर जगह का नाम है। डेट लिखिए 10 नवंबर 2020। नोटिस फाउंड फाउंड फाउंड, ओके, फाउंड 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 यानी मिली है। ओके, फाउंड अ जेंट्स रिस्ट वॉच इन द स्कूल प्लेग्राउंड टुडे। तो आज स्कूल के प्लेग्राउंड में से एक जेंट्स रिस्ट वॉच यानी हाथ में पहनने वाली घड़ी मिली है। 10 नवंबर 2020 8:30 AM कितने बजे मिली है, तो 10 नवंबर 2020 और मिली है मॉर्निंग में 8:30 को यानी 8:30 को मिली है। द जेन्युइन ऑनर ऑफ द वॉच कैन क्लेम इट बैक फ्रॉम द अंडरसाइन आफ्टर गिविंग नेसेसरी डिटेल्स अबाउट द वॉच एंड आइडेंटिफिकेशन मार्क इफ एनी। जो जेन्युइन ऑनर है वो वॉच को वापस ले सकता है, लेकिन उसको नेसेसरी डिटेल्स, वो जो घड़ी है उसके बारे में नेसेसरी डिटेल्स या फिर को आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो उसको बताना है, तभी उसको मिलेगी। अशोक खन्ना 12A रोल नंबर 25। ओके, ये जो थी वो हमने लॉस्ट और फाउंड के बारे में नोटिस की। अभी ये सेलिब्रेशन के बारे में, अभी जो नोटिस है किसके बारे में है, सेलिब्रेशन के बारे में है। तो सेलिब्रेशन में है क्वेश्चन 1 कि यू आर अ मोहन, आप मोहन हो, सेक्रेटरी ऑफ द ओल्ड बॉयज एसोसिएशन ऑफ योर स्कूल। आप अपने जो स्कूल है, ओके, तो स्कूल में जो ओल्ड स्टूडेंट है यानी ओल्ड बॉयज, तो ओल्ड बॉयज स्कूल्स एसोसिएशन के आप सेक्रेटरी हो। द एसोसिएशन सपोज्ड टू सेलिब्रेट इट्स अ सिल्वर जुबली ईयर ऑफ द स्कूल। तो ये जो एसोसिएशन है तो वो ये स्कूल के 25 ईयर कंप्लीट होने वाले हैं यानी 25 ईयर होने वाले हैं, तो उसमें यानी सिल्वर जुबली प्रोग्राम उनको अरेंज करना है। तो ड्राफ्ट नोटिस टू बी पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर इनवाइटिंग सजेशंस अबाउट नाउ टू सेलिब्रेट इट। तो आपको एक क्या करना है, न्यूज़पेपर में पब्लिश करनी है, तो आपको इन्वाइट करना है कि आप किस तरह से सजेस्ट करोगे। ओके, और जो वर्ड लिमिट है वो 50 वर्ड्स है। तो 10th March 2020 ओल्ड बॉयज एसोसिएशन बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी नोटिस द एक्स स्टूडेंट्स ऑफ दिस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस विल बी प्लेस्ड टू लर्न अबाउट दैट OBA प्रपोज टू सेलिब्रेट द सिल्वर जुबली ईयर्स ऑफ द स्कूल। OBA यानी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन, तो उन्होंने जो एक्स स्टूडेंट्स है यानी जो स्कूल से पढ़कर निकल गए हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को इनवाइट कर रहे हैं कि भाई आप जो स्कूल में पढ़ते थे उसके 25 साल कंप्लीट होने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे वहाँ पर सिल्वर जुबली प्रोग्राम करेंगे, तो आप सब लोग उसमें क्या करो, पार्टिसिपेट हो। सजेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एनलाइटमेंट एल्यूमनी अबाउट हाउ टू सेलिब्रेट इट बेस्ट। तो अभी वो नोटिस देख रहे हैं कि भाई सबको जो एक्स स्टूडेंट को इन्फॉर्म करें कि भाई इस तरह से हम अरेंज करने वाले हैं, तो आप अपने सजेशन दो कि किस तरह से हम ये प्रोग्राम को अरेंज करें, जैसे सिल्वर जुबली प्रोग्राम अरेंज करना है तो किस तरह से करें कि जिसकी वजह से अच्छा लगे। तो प्लीज़ सेंड योर सजेशन अलॉन्ग विद द लेटेस्ट कॉन्टेस्ट एड्रेस एंड सब्सक्रिप्शन टू द अंडर साइन बाय 10th April 2020। तो ये जो 10th March को नोटिस लिख रहा है और जो प्रोग्राम करना है वो कब करें वो नहीं लिखा, लेकिन उसने बोला कि आप जो सजेशन दे रहे हो वो मुझे 10th April 2020 से पहले क्या करूँ मुझे दे दो। और एड्रेस लिखा है कि मोहन सेक्रेटरी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन BPS मिलानी। ओके, तो ये जो मोहन है उसको ये जो सजेशन है उसको सेंड करने हैं और वो उसके बाद उसको जिस तरह से प्रोग्राम करना है वो अरेंज करेंगे। ओके, अभी जो नोटिस है जनरल नोटिस है कि जनरल नोटिस और पब्लिक नोटिस,
तो पब्लिक नोटिस पहले देख लेते हैं कि यू आर अभिनव और अभा, यू हैव प्लान्ड टू वीक्स कोर्स टू बी अरेंज्ड टू हेल्प द चिल्ड्रन ऑफ योर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी एट कानपुर एक्वायर द कम्युनिकेशन स्किल, प्रिपेयर अ नोटिस फॉर द सोसाइटी नोटिस बोर्ड। आपको अपनी सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर लिखनी है कि भाई आप अपने वहाँ पर टू वीक कोर्स, दो वीक का एक कोर्स अरेंज कर रहे हो जो वहाँ के जो बच्चे हैं उनके लिए। स्टेटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोर्स, ये जो कोर्स रख रहे हो उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसका मेन उद्देश्य क्या है, वो आपको मेंशन करना है। गिविंग नेसेसरी डिटेल ऑफ द कोर्स, आपको कोर्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी है। एंड रिक्वेस्टिंग द चिल्ड्रन ऑफ द सोसाइटी टू ज्वाइन द कोर्स, और आपको अपने वहाँ पर सोसाइटी में जो चिल्ड्रन उसको रिक्वेस्ट करना है कि वो लोग उसमें क्या करें, ज्वाइन हुए। तो 2 अक्टूबर 2020 नोटिस, इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, टॉपिक क्या रखा है, अब अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको इम्प्रूव करना है। अ टू वीक कोर्स ऑन कम्युनिकेशन स्किल इज बीइंग ऑर्गेनाइज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ आवर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी एज पर डिटेल्स गिवन बिलो। तो हमारी जो सोसाइटी है ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, उसके जो चिल्ड्रन हैं तो उसके लिए 2 वीक का एक कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने का प्रोग्राम अरेंज किया है। डेट कौन सी है, 15 अक्टूबर टू 30 अक्टूबर, यानी 15 से लेकर 30 तक के 2020। टाइमिंग कौन सी है, तो 4 PM to 6 PM, डेली 2 घंटे है। वेन्यू कौन सा, कम्युनिकेशन हॉल, तो कम्युनिटी हॉल है ज्योति ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी कानपुर। तो ज्योति ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी जो कानपुर है वहाँ पर कम्युनिटी हॉल है, और फीस रखी है 500 रुपीज़ पर स्टूडेंट। द स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द कम्युनिकेशन स्किल मे कॉन्टेक्ट द अंडर साइन फॉर द फर्दर डिटेल्स। तो जिसको ये कम्युनिकेशन स्किल में पार्टिसिपेट होना है तो वो लोग क्या करें, डिटेल जानने के लिए कॉन्टेक्ट करें। किसका कॉन्टेक्ट करना है, कि अभिनव या आभा, सेक्रेटरी 23BJHS, ठीक है, ये 23B है, 23B और कौन से, JGH हाउसिंग कानपुर। तो ये ज्योति ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो नोटिस पड़ा वो हमने किसके बारे में, पब्लिक नोटिस, जो सोसाइटी में रह रहे हो अगर उसके बारे में आपको कुछ करना है तो इस तरह से पब्लिक नोटिस आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक, नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं, एकेडमिक नोटिस, नेक्स्ट क्या है, एकेडमिक नोटिस। तो यू आर द प्रिंसिपल, आप प्रिंसिपल हो मेरी गोल्ड पब्लिक स्कूल के गुना मध्य प्रदेश। योर स्कूल इज इंट्रोड्यूसिंग अ वोकेशनल कोर्सेज ऑफ स्टैंडर्ड 11 और 12 फॉर द फर्स्ट टाइम। ड्राफ्ट द एडमिशन नोटिस फॉर द पब्लिकेशन इन अ न्यूज़पेपर। तो आप अपने स्कूल में प्रिंसिपल हो, आप अपने स्कूल के लिए एक वोकेशनल कोर्स का अरेंज कर रहे हो ओनली फॉर स्टैंडर्ड 11 12 के लिए, तो एडमिशन नोटिस, ये एडमिशन नोटिस है, मेरी गोल्ड पब्लिक स्कूल गुना MP। द स्टूडेंट्स, द स्कूल हैज़ डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस अ वोकेशनल कोर्स इन क्लास 11 and 12 फ्रॉम द न्यू सेशन स्टार्टिंग 15 July 2020। तो नेक्स्ट जो सेशन स्टार्ट हो रहा है उस टाइम पर हम एक वोकेशनल कोर्स का हमने अरेंज किया है ओनली फॉर द स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 11 and 12, ओके, 15 July 2020 को। सिंस द नंबर ऑफ द सीट्स इन ईच कोर्स इज लिमिटेड, हर एक जो कोर्स है उसकी जो सीट है वो लिमिटेड रहेगी, ओनली 20 ईच, हर एक जो बैच उसमें होगी 20 स्टूडेंट्स। ओनली दोज गेटिंग 60% और मोर देन मार्क इन 10th नीड अप्लाई। तो जिसको 10th में 60 और 60 से ज़्यादा आए हैं वही उसमें क्या हो सकते हैं, पार्टिसिपेट हो सकते हैं। एंड एंट्रेंस टेस्ट विल बी हेल्ड, उसके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट का भी अरेंज किया है। तो एंट्रेंस टेस्ट भी हेल्ड ऑन 5th July 2020 एट 9 AM इन द स्कूल। तो ये स्कूल में, ये वोकेशनल कोर्स में अगर पार्टिसिपेट होना है तो उसके लिए आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देनी है, वो होगी 5th July 2020 को और मॉर्निंग में 9 बजे, कहाँ पर, इन द स्कूल, एंड स्कूल में होने वाली है। प्रोस्पेक्टस कैन बी हेल्ड फ्रॉम द स्कूल ऑफिस ऑन द वर्किंग डे ऑन द पेमेंट ऑफ ₹20, ओके। उसका जो प्रॉस्पेक्टस यानी को कागज जिसमें सब इंफॉर्मेशन लिखी होगी वो आपको मिलेगा ₹20 में। प्रिंसिपल मेरी गोल्ड पब्लिक स्कूल
गुना एमपी। ओके, तो ये जो थी वो किसके बारे में थी, कोई एडमिशन के बारे में, एक न्यू वोकेशनल कोर्स स्टार्ट करने वाले हो उसके बारे में है। अभी जो नेक्स्ट है वो है लॉस्ट एंड फाउंड, कोई चीज़ हो गई, कोई चीज़ मिली है उसके बारे में है। तो वो एक आगे पढ़ लिया, फिर भी एक दूसरा है नोटिस पढ़ लेते हैं कि लॉस्ट एंड फाउंड क्या खो गया, देखते हैं आगे। कि लॉस्ट ऑफ वॉलेट ऑफ ब्लैक लेदर कंटेनिंग सम वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग माय बोर्ड सर्टिफिकेट ऑफ ऑल द इंडियन ऑल इंडिया सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पासपोर्ट एंड बंच ऑफ द कीस ऑफ 23 जुलाई 2020 वाइल ट्रैवलिंग बाय द तेज एक्सप्रेस फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। तो दिल्ली टू आगरा जब वो ट्रैवल कर रहा था तब तो उसका एक पूरा जो बैग थी, ओके, जिसमें क्या थे वैल्यूबल थिंग्स में, तो बोर्ड सर्टिफिकेट थे, उसके बाद एक की थी, उसका पासपोर्ट था, ओके, ये सब चीज़ वो खो गई है जब वो तेज एक्सप्रेस नाम की ट्रेन में दिल्ली से आगरा ट्रैवल कर रहा था। फाइंडर विल बी सूटेबल रिवॉर्ड, जिसको मिले अगर वो वापस देगा तो उसको एक सूटेबल रिवॉर्ड मिलेगा। कॉन्टेक्ट नरेश 5A/42C जनकपुरी न्यू दिल्ली, उसने एड्रेस दिया है कि ये एड्रेस पर आप क्या करना, मुझे कॉन्टेक्ट करना। चलो नाउ सेल्स नोटिस, अगर कोई चीज़ बेचनी है तो उसके लिए क्या होगा, तो गुरुदा सिल्क मिल्क प्राइवेट लिमिटेड बनारस लॉन्चेस इट्स डिस्काउंट सेल फॉर इट्स एक्सपोर्ट्स क्वालिटीज इन दिल्ली। तो जो एक्सपोर्ट्स क्वालिटी है तो उसके बारे में वो एक नोटिस लिख रहा है, राइट्स अ सूटेबल सेल्स नोटिस, ये सेल्स नोटिस है फॉर पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर। तो गरुड़ा सिल्क मिल्स बनारस नोटिस हैवी डिस्काउंट सेल, तो ये सेल्स नोटिस है, तो यानी बोला है कि हैवी डिस्काउंट सेल्स, तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दिया जाएगा सेल में, यानी जो भी चीज़ ये कोई परचेस करता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। ओके, तो एक्सपोर्ट क्वालिटी सारीस ऑफ गरुड़ा सिल्क मिल्क अवेलेबल एट हैवी डिस्काउंट इन दिल्ली फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये जो गरुड़ा सिल्क मिल्क है, मिल है जो न्यू दिल्ली में है, तो वहाँ पर पहली बार इतना डिस्काउंट आपको मिल रहा है। डेट कौन सी है, 15 और 16 अगस्त 2020, यानी दो दिन का प्रोग्राम रखा है, दो दिन में ये जो साड़ी है, ओके, गरुड़ा सिल्क मिल्क वो जो साड़ी है वो क्या कर रहे, बेच रहे और मैक्सिमम डिस्काउंट वो ऑफर कर रहे हैं, यानी दिल्ली में पहली बार ऐसा हुआ है। आपको डेट दी है 15 और 16 अगस्त को रखा है, टाइमिंग रखा है 9 AM to 8 PM, यानी मॉर्निंग में 9 बजे से शाम को 8 बजे तक वो चालू रहेगा। जगह का नाम दिया है होटल नीराज, A/4 अकबर रोड न्यू दिल्ली, ये जगह है। तो ये जगह पर ये जो सेल रखा है हैवी डिस्काउंट सेल, ओके, आइटम्स कौन कौन से, तो चाइना सिल्क साड़ी, कौन कौन सी है, तो चाइना सिल्क साड़ी जिसकी वर्थ यानी वैल्यू है 500, अवेलेबल ओनली 125। जो चाइना सिल्क साड़ी है जिसकी वैल्यू 500 है, अभी वो कितनी है, 125। फॉर प्रिया बनारसी पॉइंटेड सिल्क साड़ी वर्थ जिसकी 800 है, नाउ अवेलेबल फॉर 200, जिसकी वैल्यू 800 रुपया थी पहले, अभी आपको ओनली 200 में मिल रही है। गौरी गोल्ड एम्ब्रॉयडरी सिल्क साड़ी जिसकी वैल्यू है 15,000, उसकी वैल्यू ओनली अभी 400। ओके, नोट दिस पीसीस हैव माइनर डिफेक्ट, ये जो पीसीस है वो फ्रेश नहीं है, कि वो माइनर डिफेक्ट है, उसमें कुछ ना कुछ एक थोड़ी डिफेक्ट है, नॉट इजी विजिबल, लेकिन वो आप इजीली देख भी नहीं सकते, ऐसी वहाँ पर क्या है, डैमेज है कि जो आप अच्छी तरह से देख भी नहीं सकते। देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर दूसरे भी बहुत सारे नोटिसेस है जिसमें ऑक्शन नोटिस, यानी कोई चीज़ आपको ऑक्शन करनी है, बेचनी है, हराजी बोलते हैं उसके बारे में नोटिस आएगी। क्लब नोटिस, अगर आप कोई क्लब में जैसे जा रहे हो तो क्लब में अगर कोई प्रोग्राम प्रोग्राम है तो क्लब नोटिस भी है। उसके बाद टेंडर नोटिस, ओके, वो पता है कि गवर्नमेंट बहुत सारे टेंडर्स बाहर निकालती है तो उसके टेंडर्स की नोटिस आती है। तो इस तरह से बहुत सारी जो नोटिस आती है वो यहाँ पर दी गई है। तो हमें इसके मैं आपको
जो होमवर्क है PDF बना के दूंगा, तो वो आप उसमें से देख लेना। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।